नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की दिन भर की कुछ बड़ी खबरों में कुछ ही बड़ी खबरें। आपको बता दें कि सबसे बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधायकों को फोन देना सरकार के लिए महंगा पड़ गया है, क्योंकि सभी विधायकों को जनता के पैसे से आईफोन बांटे गए। इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया ने उन विधायकों से सवाल पूछे हैं कि क्या ये जनता के पैसे से आपको आईफोन मिले हैं। इस पर विधायकों ने कहा है कि ये जनता के पैसे से नहीं बल्कि सरकार के कोठे से हमें फोन मिले हैं गिफ्ट के तौर पर। हालांकि इधर आपको बता दें कि कई लोगों का कहना है कि गिफ्ट के तौर पर हमें 70,000 रुपए में मिल जाते तो बहुत होता, बजट सत्र नहीं होता तो भी चल जाता। कुछ इस तरह से लोग सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक आईफोन की कीमत करीबन 70,000 रुपए है। आपको बता दें कि इसी तरह 200 विधायकों को आईफोन बांटे गए हैं। इन कुल मिला की कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर बजट सत्र से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ खास, 1,00,000 नौकरियां देने की सीएम अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी घोषणा की है, जिसमें आपको बता दें कि 62,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 20,000 महिलाओं को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम। साथ ही आपको बता दें कि 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की जाएगी, 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती होगी, 2,000 RISF जवानों की भर्ती की जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर कृषि बजट से जुड़ी है। आपको बता दें कि कृषि बजट में 85,00,000 किसानों को क्या मिला। किसानों के लिए 1,000 ड्रोन खरीदेगी सरकार। 13 जिलों के लिए ERFC कॉरपोरेशन बनाकर 9,600 करोड़ रुपए खर्च होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को पहला कृषि बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कृषि बजट में किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने खुद करने का यह फैसला किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का घोषित करने का आश्वासन दिया था। नोद्रा इसरदा लिंक का काम अब राज्य सरकार करेगी, इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। गहलोत कई बार पीएम को पत्र भी लिख चुके हैं। अब गहलोत सरकार ने ERCF का काम खुद करने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। पहले कृषि बजट की बड़ी बात यह है कि 5,000 करोड़ किया किसानों के कृषक साथी योजना का बजट। 20,000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे। 5,00,000 नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। 1,00,000 अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा, इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नील गाय से बचाने के लिए 100 करोड़ खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। संभागों में बीज के लिए लैब बनेगी। जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट है वो बनेगा। साथ ही आपको बता दें कि 20,000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान के बजट में 2023 का चुनाव दिख रहा है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 1,00,000 नौकरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की सबसे बड़ी घोषणा की है। बिजली को लेकर यहाँ बात करें तो आपको बता दें कि 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। बजट के बाद गहलोत ने कहा है कि इस बजट का हर नागरिक को स्वागत करना पड़ेगा। बजट पेश करने के बाद गहलोत ने कहा है कि आज कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। नई इस पेंशन स्कीम से कर्मचारियों में बुढ़ापे के समय जीवन यापन की आशंका पैदा हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नई पेंशन स्कीम का फैसला किया था, लेकिन राज्यों में ये सोचना पड़ेगा। कर्मचारी चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, इसीलिए हमने पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से लागू किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि काली दुल्हन मेकअप में पेश। सतीश पूनिया ने कहा है कि ब्यूटी पार्लर में ले जाकर अच्छे से श्रृंगार करके उसे पेश कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश राजस्थान में सौते बजट पर बीजेपी नेताओं ने सियासी पलटवार किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि यह बजट नीति नहीं राजनीति का बजट है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम संत कटारिया ने कहा है कि गहलोत ने राजस्थान की जनता को लुटाई ही है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बजट ऐसा है जैसे काली दुल्हन को मेकअप में पेश किया गया हो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार के बजट को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का काला धब्बा करार दे दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा हर बार लेट। 10 साल में आरएएस की 5 बार भर्ती परीक्षा हुई रद्द। पेपर लीक से लेकर कट ऑफ तक आपको बता दें कि ये पेपर बार बार विवाद हो रहा है। इसकी बार आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बड़ी चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि
2021 आरएस की परीक्षा की रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद लगातार पांचवीं बार राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेपर लीक से परेशान सरकार एंटी चीटिंग सेल खोलेगी। बजट घोषणाओं में गहलोत सरकार ने पुलिस और कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। पेपर लीक प्रकरण से सवालों के घेरे में आई सरकार ने एक अहम फैसला किया है। पेपर लीक प्रकरणों को लेकर एसओजी ने भी एक सेल बनाई जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान बजट 2022 में जानिए आपको क्या मिला। मकान प्लॉट खरीदना होगा सस्ता, स्टाम्प ड्यूटी 1% तक घट चुकी है। बुजुर्ग के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री चार्ज में भी छूट दे दी गई है। 60 लाख घरेलू कंज्यूमर्स को 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मेट्रो रूट बढ़ा है, महिलाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट फ्री। सीएम अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का सौवां बजट पेश किया है। इसमें फ्री मोबाइल से लेकर इलाज और मुफ्त बिजली की घोषणा भी कर दी है। 60 लाख उपभोक्ताओं को जहां 50 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी, तो वहीं 1.33 लाख महिलाओं को इंटरनेट सहित स्मार्टफोन दिया जाएगा। 10 लाख के मकान पर आपको बता दें कि 13,000 रुपए का फायदा होने वाला है। माना कि आपके पास 100 वर्ग गज का भूखंड 10 लाख रुपए में कीमत का है, तो उस पर 6% की दर से स्टाम्प के 60,000 और उन स्टाम्प पर 30% सरचार्ज मिलकर कुल 78,000 रुपए का शुल्क लगता है। अब नए फैसले के बाद 100 वर्ग गज तक के प्लॉट जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उस पर स्टाम्प सरचार्ज के 65,000 रुपए ही लगेंगे, यानी 13,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। हालांकि बजट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।